सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के दो जवानों को मार गिराया है। पीओके के हाजीपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिक सफेद झंडा दिखाकर अपने जवानों का शव ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने 30 और 31 जुलाई को मारे गए अपने 5 से 7 सैनिकों और आतंकियों को शव ले जाने से इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के मेडर और बालाकोट सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग की जा रही है। इसके अलावा राजौरी के बीजी और बंजाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से 6 रिहायशी इलाकों और स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भीषण गोलीबारी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ था। जितेंद्र सिंह के मुताबिक समाज का एक बड़ा वर्ग बंटवारा नहीं चाहता था। अगर बंटवारा न होता तो न अनुच्छेद 370 होता और न ही उसे हटाने की जरूरत होती। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ उसी दिन टू नेशन थ्योरी बेमतलब हो गई। कश्मीर मुद्दे पर यूएनएचआरसी की बैठक में पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया। भारत की सेकंड सेक्रेटरी कुमुम मिनी देवी ने कहा कि धारा 370 भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान इस सच को स्वीकार कर। कुमुम मिनी देवी ने पाकिस्तान को उसी के घर में सालों से चल रहे दमन चक्र की याद दिलाई। जिनेवा में बलोच कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिंधी कार्यकर्ताओं ने भी पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। बलूचिस्तान में चीन की दखलंदाजी का मामला उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 42वें सत्र के दौरान प्रदर्शन किया गया। जलवायु परिवर्तन पर भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के लिए एक सोलर पैनल गिफ्ट में दिया है। ये सभी पैनल संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर की छत पर लगाए जा रहे हैं। करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर की लागत वाले इन सोलर पैनलों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को दिया गया। इन सोलर पैनल से अधिकतम 50 किलोवाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने कहा, भारतीय भाषाओं की व्यापकता दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भाषा तभी जीवित रह सकती है जब तक नई पीढ़ी उसे बोलने में गौरव महसूस करे। अमित शाह ने कहा, अगर आज़ादी के आंदोलन से हिंदी को निकाल देते तो आंदोलन की आत्मा ही खत्म हो जाती। गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा, हिंदी हर भारतीय की मातृभाषा नहीं है। क्या आप इस देश में कई मातृभाषाओं की विविधता और सुंदरता की सराहना करने की कोशिश कर सकते हैं? अनुच्छेद 29 प्रत्येक भारतीय को एक अलग भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार देता है। भारत हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व से बड़ा है। पीएम मोदी का जन्मदिन बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। उनका जन्मदिन 17 सितंबर को है। आज अमित शाह और जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे अमित शाह ने वहां मौजूद मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दिल्ली के सभी सांसदों ने एम्स में चलाए जा रहे सफाई अभियान में हिस्सा लिया। वार्ड में जाकर मरीजों से भी सभी सांसदों ने मुलाकात की। सांसदों ने मरीजों का हालचाल जाना। एक हफ्ते तक बीजेपी ये अभियान चलाएगी। इसमें सेवा भाव को प्रमुखता से अपनाया जाना है। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दीवारों पर पुताई करके स्वच्छता का संदेश दिया। 20 सितंबर तक चलने वाले इस सेवा सप्ताह में डिप्टी सीएम ने अपने महकमे यानी शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दफ्तर की दीवारों पर पुताई की और सफाई भी की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में भगवान कामतनाथ के दर्शन किए, कामतगिरी की परिक्रमा की, भरत मिलाप मंदिर में पदचिन्ह के दर्शन किए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कामतगिरी में यूपी के पहले रोपवे का उद्घाटन किया। रोपवे के जरिए ही योगी लक्ष्मण पर्वत तक पहुंच गए जहां भगवान लक्ष्मण के दर्शन किए। इसके बाद स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं उसे जल्द ही दुनिया के नक्शे से उसका वजूद खत्म हो जाएगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि 1947 के पहले दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नहीं था और मुझे विश्वास है कि एक बार फिर मैप पर नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम लाहौर में बापू जयंती और हिंदी दिवस मना रहे होंगे। भारत को बार बार युद्ध की धमकी देने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान को अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के दीवान ने धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो देश के मुसलमान मर मिटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर मसले का समाधान कर दिया गया है। कश्मीरियों के लिए एक मौका है कि वो फिर से कश्मीर को जन्नत बनाएं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। शिवाजी के वंशज और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता उदयन राजे भोसले एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उदयन राजे भोसले महाराष्ट्र की 17 सीट से लोकसभा के सांसद थे। कल ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा था और आज बीजेपी में शामिल हो गए। उदयन राजे भोसले को खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए चिकन और दूध के आउटलेट एक साथ खोले गए हैं। पशुपालन विभाग की इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट भोपाल में शुरू किया गया है। कमलनाथ सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि एक साथ दूध और चिकन बेचने से लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। दिल्ली में नए ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लड़कों का वीडियो सामने आया है। 3 घंटे तक कानून को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने हुड़दंग मचाया। मुखर्जी नगर इलाके में बीच सड़क पर इन लड़कों ने डांस किया। इनकी वजह से ट्रैफिक काफी देर तक रुका रहा। एक साथ 7 कारों के काफिले ने दिल्ली की सड़कों पर जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद यूपी की यातायात निदेशालय ने एक अहम सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक यूपी के सभी जिलों को ये निर्देश दिया गया है कि केवल कागजात चेक करने के लिए किसी भी वाहनों को न रोका जाए। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखे तो उसके कागजात चेक किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने एक बार फिर कहा है कि राज्य में नए मोटर व्हीकल नियमों को लागू नहीं किया जाएगा। दिवाकर रावते ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को उन्होंने इस बारे में चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। झारखंड में अगले 3 महीने के लिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री रघुबर दास ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगले 3 महीने वो ट्रैफिक रूल के प्रति लोगों को जागरूक करें और लोग भी कागजों को इस समय में पूरा कर लें। झारखंड विधानसभा में भी कई विधायकों ने संशोधित यातायात कानून को सरल करने की मांग की थी। यूपी के बदायूं में बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की गाड़ी में काली फिल्म चढ़ी मिली और उनका सुरक्षाकर्मी भी बिना बेल्ट लगाए कार में सवार था। जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो सांसद ने इस मामले पर अपनी गलती स्वीकारी और आगे से ट्रैफिक नियम न तोड़ने की बात भी कही। महाराष्ट्र पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके प्रदीप शर्मा शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रदीप शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदीप शर्मा को शिवसेना नालासोपारा विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। प्रदीप शर्मा ने हाल ही में सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडान में विश्व निकाय के मिशन में सेवा देने वाली 5 भारतीय महिला पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित की गई महिला पुलिस अधिकारियों में चंडीगढ़ पुलिस की इंस्पेक्टर रीना यादव, महाराष्ट्र पुलिस की डीएसपी गोपिका जहांगीरदार, गृह मंत्रालय में डीएसपी भारती सामंतरे, गृह मंत्रालय में इंस्पेक्टर रागिनी कुमारी और राजस्थान पुलिस में एएसपी कमल शेखावत शामिल हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के नेवल वर्जन का शुक्रवार को अरेस्टिंग गियर की मदद से सफलतापूर्वक शॉर्ट लैंडिंग का टेस्ट किया गया। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने गोवा तट पर यह कामयाब टेस्ट किया। इस तकनीकी के सफल परीक्षण के बाद अब एलसीए तेजस के नेवल वर्जन को विक्रमादित्य विमान वाहक पोत पर तैनात किया जा सकेगा। अरेस्टिंग गियर का इस्तेमाल वॉरशिप पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग के लिए किया जाता है। मुंबई के कॉटन ग्रीन स्टेशन के स्काई वॉक पर आज भीषण आग लग गई। देखते ही देखते स्काई वॉक का शेड आग की चपेट में आ गया। आग की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आग को काबू कर लिया गया है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 3 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये तीनों अपने पेट में 30 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन छुपाकर कंधार से दिल्ली लाए थे। ऑपरेशन के बाद इसका खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करके एक और अफगानी और 2 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से करीब 6.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें 3 लड़के घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार से बियर की बोतलें भी बरामद की है। पुलिस को आशंका है कि हादसा शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से हुआ है। राजस्थान सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की सेवा प्रदाता कंपनी ने आज से काम करने से इनकार कर दिया है। सरकार और बीमा सेवा प्रदाता कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के बीच भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि मरीजों को कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर अस्पतालों के क्लेम का भुगतान करेगी।
सुकमा में सीआरपीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने बड़े नक्सली हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। जगरगुंडा मार्ग पर नक्सलियों ने भारी धमाके के जरिए बड़े हमले की साजिश रची थी, जिसे टीम ने नाकाम कर दिया। नक्सलियों का प्लांट किया हुआ 20 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया गया है। भोपाल में खाद्य विभाग ने मसाले की फैक्ट्री में छापा मारकर कई ब्रांडेड मसाले के सैंपल जांच के लिए लिए हैं। खाद्य विभाग अब मसालों में हानिकारक रंगों की मिलावट की जांच करेगा। छापेमारी के दौरान 5 बोरे खड़ा धनिया और 4 बोरे काला नमक भी जब्त किया गया। झांसी की तहरौली थाना पुलिस स्वैट और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के एक इनामी बदमाश चरण सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले 5 महीने से अपहरण और हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तबंचा, 3 कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूपी पुलिस ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने टुनटुन पटेल नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक टुनटुन दिव्यांग की हत्या और पाइप व्यापारी की हत्या में शामिल था। टुनटुन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। वो 1,00,000 इनामी झुन्ना पंडित गैंग का सदस्य है। पुलिस काफी वक्त से टुनटुन पटेल को तलाश कर रही थी। पंजाब में अमृतसर की पुलिस ने अजनाला इलाके में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 7.5 किलो हेरोइन और 28,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी शमशेर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही इस बात का भी पता लगा रही है कि उसके कनेक्शन किसी गिरोह से तो नहीं। पुलिस का दावा है कि हेरोइन पाकिस्तान से सप्लाई की गई थी। अमेठी में कच्चा मकान गिरने से 13 साल की लड़की समेत 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। मामला अमेठी के पिंडारा ठाकुर गांव का है। चश्मदीदों के मुताबिक भारी वर्षा की वजह से कच्ची दीवार गिर गई। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में नागिन डांस करते हुए एक युवक की मौत हो गई। दरअसल रात करीब 10 बजे गणेश विसर्जन के दौरान नागिन धुन पर नाचते वक्त एक व्यक्ति जमीन पर गिर गया। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मौत के बाद बुजुर्ग के शव के ऊपर से कई ट्रेनें गुजरती रही, लेकिन जीआरपी ने लगभग 1.5 घंटे के बाद शव को हटवाया। रात लगभग 8 बजे रेलवे फाटक पार करते समय बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। फिलहाल बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद बस से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक प्रदेश में 1400 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि हो चुकी है और 4 मरीजों के मौत की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। देहरादून के बाद नैनीताल में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। गुजरात में भारी बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर गुजरात में आज तेज बारिश हो सकती है। कल भी वलसाड, पंचमहल जैसे इलाकों में 2 से 2.5 सेंटीमीटर बारिश हुई है। गुजरात में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने यहां के 5 जिलों में रेड अलर्ट, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से दर्जन भर बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। कई बस्तियां तो तालाब बन चुकी हैं। वहीं चंबल के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। लोगों को घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। करीब 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में रहने वाले लोग 6 दिन से पानी नहीं आने से परेशान हैं। सोसाइटी में करीब 3,000 परिवार रहते हैं और यहां रविवार रात से ही पानी की सप्लाई बंद है। परेशानी बढ़ने पर मंगलवार को लोगों ने 3 घंटे ट्रैफिक जाम भी किया था। यहां रहने वाले लोगों को टैंकर से पानी भरकर 20वें फ्लोर तक ले जाना पड़ रहा है। बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब बदमाश पुलिस कर्मियों को ही जान से मारने की धमकी देने लगे हैं। मुंगेर जेल में अधिकारी को कुख्यात अपराधी सुदर्शन यादव ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित कक्षपाल ने एसपी को शिकायत दर्ज कराई है। यूपी में हापुड़ की गौशाला के पदाधिकारियों ने बीजेपी विधायक दिनेश खटेक के खिलाफ नारेबाजी की और विधायक पर गौशाला के करोड़ों रुपए की 600 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। गौशाला समिति ने बीजेपी हापुड़ जिला अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपकर अपील की है कि गौशाला की जमीन बीजेपी विधायक से जल्द मुक्त कराई जाए।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जंगल में हुई इस मुठभेड़ में 1,00,000 रुपए के 2 इनामी नक्सली मारे गए। दोनों के शवों के साथ देसी पिस्टल और 12 बोर की बंदूक बरामद की गई है। बलरामपुर जिले के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने एक बार फिर अपने ही सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। विधायक ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग में भाजपा के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे में शिक्षा मंत्री को पद पर नहीं रहना चाहिए। देहरादून से पिथौरागढ़ तक हवाई सेवा फिर से शुरू हो गई है। देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच 9 सीटर विमान की सेवा शुरू की गई है। पिथौरागढ़ की नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचे हेरिटेज एविएशन के पायलट ने इस दौरान कहा कि हवाई सेवा नियमित रूप से संचालित की जाएगी, जल्द ही एक और विमान खरीदा जाएगा। बिहार के गया में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने का विशेष महत्व है। पितरों को मोक्ष के लिए देश के कोने कोने से लोग गया पहुंच रहे हैं। गया के पूर्वी छोर पर पवित्र फल्गु नदी बहती है, जो कि जमीन के ऊपर न बहकर जमीन के अंदर बहती है। लोक मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत, पवित्र तालाबों पर लोग तर्पण का अनुष्ठान कर रहे हैं। स्थानीय लोग तालाब के भीतर जाकर अपने परिवार वालों की याद में पिंड दान कर रहे हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में 15 दिन के लिए पितृगण धरती पर आते हैं। बंगाल पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में हालात बदतर हो सकते हैं। दुनिया की नामचीन रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बड़े आर्थिक संकट से गुजरना होगा। मूडीज ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की विदेशी कर्ज पर लगातार बढ़ती निर्भरता और कर्ज भुगतान में मुश्किलों की वजह से आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें होंगी। मूडीज ने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में शामिल किया है जिनकी कर्ज भुगतान की क्षमता बेहद खराब होती जा रही है। पाकिस्तान की रेटिंग B3 नेगेटिव है और ये बेहद खतरनाक है।